नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में एक बार फिर सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं का सैलाब उमड़ेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित चक्कर मैदान में पहली बार दानापुर एआरओ के अधीन आने वाले 7 जिलों के लिए सेना में बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। यह बहाली प्रक्रिया 11 फरवरी से शुरू होगी और 28 फरवरी तक चलेगी। सेना मुख्यालय ने इसके लिए कार्यक्रम का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसमें सोल्जर जीडी टेक्निकल, क्लर्क एसकेटी, नर्सिंग सहायक और ट्रेड्समैन श्रेणी के लिए बहाली होनी है। इस बहाली प्रक्रिया में बक्सर, भोजपुर, पटना, सिवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली जिले के लगभग 88,500 से भी ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। शारीरिक दक्षता की जांच के बाद मेडिकल होगी। बहाली प्रक्रिया के लिए सुबह 2 बजे से अभ्यर्थियों को प्रवेश कराया जाएगा। सेना बहाली प्रक्रिया की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहां के स्थानीय डीएम प्रणव कुमार चक्कर मैदान पहुंचे। यहां पर मुजफ्फरपुर आर्मी भर्ती बोर्ड के निदेशक कर्नल बॉबी जसरोटिया ने उन्हें अब तक हुई तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कौन सी टीम कहां काम करेगी, कैसे करेगी इत्यादि के बारे में डीएम को मैप के माध्यम से जानकारी दी गई। यह भी बताया गया कि बहाली प्रक्रिया के लिए रांची, कटिहार, गया और दानापुर से अधिकारियों की टीमें आएंगी। आइए अब नजर डालते हैं सेना बहाली प्रक्रिया के लिए जिलावार बहालियों की तारीखों पर। 11 फरवरी को सिवान और वैशाली जिले के लिए बहाली प्रक्रिया होगी। यह बहाली ट्रेड्समैन श्रेणी में होगी। 12 फरवरी को भोजपुर और सारण जिले के लिए बहाली प्रक्रिया होगी। यह बहाली भी ट्रेड्समैन श्रेणी के लिए होनी है। 13 फरवरी को पटना, बक्सर और गोपालगंज के लिए बहाली प्रक्रिया होगी। यह बहाली ट्रेड्समैन श्रेणी के लिए होगी। 14 फरवरी को भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज और वैशाली जिले के लिए बहाली प्रक्रिया होगी। यह बहाली टेक्निकल श्रेणी के लिए होगी। 15 फरवरी को पटना, सिवान और सारण, लेकिन सारण में माझी जलालपुर को छोड़कर बहाली प्रक्रिया होनी है। यह बहाली भी टेक्निकल श्रेणी के लिए होगी। जबकि 16 फरवरी को सारण के माझी और जलालपुर के लिए बहाली होगी। यह बहाली टेक्निकल श्रेणी के लिए होनी है। 16 फरवरी को ही सभी जिलों के लिए नर्सिंग सहायक श्रेणी के लिए बहाली होनी है। 16 फरवरी को सिवान जिला के लिए भी बहाली प्रक्रिया होनी है। यह बहाली क्लर्क एसकेटी श्रेणी के लिए होनी है। 17 फरवरी को भोजपुर के चरपोखरी और शहर को छोड़कर क्लर्क एसकेटी श्रेणी में बहाली होनी है। 17 फरवरी को ही पटना के लिए क्लर्क एसकेटी श्रेणी में बहाली होनी है। 18 फरवरी को बक्सर, वैशाली, जबकि सारण के छपरा और जलालपुर को छोड़कर और भोजपुर के चरपोखरी और शहर के लिए बहाली प्रक्रिया होनी है। यह बहाली भी क्लर्क एसकेटी श्रेणी में होगी। 19 फरवरी को गोपालगंज, सारण के छपरा और जलालपुर के लिए बहाली होनी है। यह बहाली क्लर्क एसकेटी श्रेणी में होगी। 19 फरवरी को ही वैशाली जिला के लिए जीडी श्रेणी में बहाली प्रक्रिया होनी है। 20 फरवरी को पटना के लिए पालीगंज और खुसरूपुर को छोड़कर बहाली होनी है। यह बहाली जीडी श्रेणी में होनी है। 21 फरवरी को गोपालगंज, लेकिन यहां स्थित विजयपुर को छोड़कर और पटना के सिर्फ पालीगंज के लिए बहाली प्रक्रिया होनी है। यह बहाली भी जीडी श्रेणी के लिए होनी है। 22 फरवरी को बक्सर, पटना के सिर्फ खुसरूपुर और गोपालगंज के सिर्फ विजयपुर के लिए बहाली प्रक्रिया होनी है। यह बहाली प्रक्रिया भी जीडी श्रेणी के लिए होनी है। 23 फरवरी को भोजपुर के लिए, लेकिन आरा, शाहपुर, बरहरा और संदेश को छोड़कर बहाली प्रक्रिया होनी है। यह बहाली जीडी श्रेणी के लिए होगी। 24 फरवरी को सिवान और भोजपुर के सिर्फ संदेश के लिए जीडी श्रेणी में बहाली प्रक्रिया होगी। 25 फरवरी को भोजपुर के शाहपुर, आरा और बरहरा के साथ ही सिवान, छपरा और गरखा के लिए बहाली प्रक्रिया होनी है। यह बहाली भी जीडी के लिए होगी। 26 फरवरी को सारण के लिए, लेकिन बनियापुर, माझी और रिविलगंज को छोड़कर बहाली प्रक्रिया होनी है। यह बहाली जीडी के लिए होगी। वहीं 27 फरवरी को सारण के लिए ही बनियापुर, माझी और रिविलगंज के लिए बहाली होगी। यह बहाली भी जीडी के लिए होनी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।